नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक प्रश्न का उत्तर जो आप हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। देखिए, हिंदू शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन तो दुर्लभ है और इसका केवल एक ही प्रयोजन है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का प्रयास। करेक्ट। और सभी मनुष्यों के जीवन में किसी न किसी समय प्रश्न आए बिना नहीं रहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। और ये जो खोज है ये लगभग सभी देशों में जारी है, चाहे किसी भी मत के हों, किसी भी धर्म से हों। विभिन्न लोग परलोक तथा पुनर्जन्म के संबंध में अपने अपने विचार भी प्रदर्शित करते रहते हैं और इन सब विचारों पर परामर्श किए बिना अपने अपने आध्यात्मिक सिद्धांत को स्थापित करते हैं। असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को स्थापित करना। तो मनुष्य जन्म लेता है परंतु उसे ये नहीं पता होता है कि उसके जन्म लेने और परमात्मा के जन्म देने का प्रयोजन क्या है। जन्म के प्रयोजन का ज्ञान हमें वेदों सहित ऋषियों के दर्शन और उपनिषद आदि ग्रंथों सहित ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे, कठोपनिषद और श्रीमद भागवत गीता, तो एक्चुअली में जो मेन प्रश्न है वही है। बाकी जितने उपनिषद वगैरह हैं वहाँ पे इन विषयों पर बहुत भारी चर्चा हुई है और वो ठीक ही है, क्योंकि पुनर्जन्म परलोक संबंधी चर्चा के बिना अध्यात्म विचार हो ही नहीं सकता। तो देखिए, समझने के लिए यहाँ हम एक शाब्दिक कल्पना का भी सहारा ले सकते हैं। हमारी आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है जो आप सुनते चले आ रहे हैं। जैसे सागर की एक बूंद है, पृथ्वी या भूलोक पर सृष्टि की रचना हेतु विभिन्न जीवों को जन्म देकर परमात्मा ने अपने चैतन्यमय अंशों मतलब आत्माओं को उनके भौतिक शरीरों में स्थापित किया हुआ है। ठीक है। और ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अनुपम, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, वही सब मनुष्यों का उपासनीय और भक्ति करने योग्य है। वह परमात्मा सब जीवों को जन्म देने वाला तथा उनका पालन करने वाला है। हमारे जन्म का आधार हमारे अतीत के जन्मों के कर्म हुआ करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही हमें जन्म लेना पड़ता है और अन्य योनियों में भी जन्म दिया जाता है। मनुष्य जन्म में हम अपने कर्मों का भोग करते हुए ज्ञान प्राप्ति कर कर्म उपासना से मृत्यु से तर कर मोक्ष रूपी आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म और मरण दोनों ही दुख देने वाले होते हैं। इनसे मुक्ति के लिए प्रयत्न करना और उसे प्राप्त करना ही हम मनुष्यों का प्रमुख कर्तव्य और धर्म होता है। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है और होता है। संसार में देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने जीवन भर अपने जीवन के उद्देश्य और सत्य कर्तव्यों को भुला रहता है। उसे माता पिता और आजकल के आधुनिक आचार्यों द्वारा उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही बताया ही नहीं जाता है। तो बताना चाहिए। अभी जो प्रश्न है, शिष्य नचिकेता ने गुरु ब्रह्म विद्याचार्य वैवस्वत यम से किया। गीता का द्वितीय अध्याय जो गीता का हार्द है और जिसमें अर्जुन के मुख्य प्रश्न का उत्तर है, वो संपूर्ण कठोपनिषद पर ही आधारित है। तो कई सिद्धांत वाक्य समान रूप से उपलब्ध होते हैं और यह बात विद्वानों को विदित है ही है। सभी दार्शनिक ग्रंथों में विशेष रूप से गीता में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। प्रत्येक जीव, वनस्पति और कच्चे पदार्थों का निर्माण मनुष्य के जीवन की सरलता और संपूर्णता के लिए किया गया है।
परमेश्वर या प्रकृति के ब्रह्मांड में हर चीज, हर क्रिया पूरी तरह से नियमबद्ध कर रखी हुई है। तो भाई हमारा जो जन्म है क्यों हुआ, यदि कोई बताना भी चाहे तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति भोग या सुख भोगने में रहती है। सदुपदेश या स्वाध्याय तथा सत्संगों का सेवन का समय किसी के पास नहीं होता है। आजकल के जो सत्संग होते हैं उनमें भी अनेकाएक विषय होते हैं, अनेक विषय होते हैं, उपदेशक अनेक वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं, परंतु ईश्वर और आत्मा की सत्ता और मनुष्य के वेद विहित कर्तव्यों पर शायद ही कोई युक्तिसंगत प्रकाश डालता है। अब बहुत से लोग मानते हैं कि मरने के बाद जीवन और मरण का सब खेल समाप्त हो जाएगा। यह बात सर्वथा असत्य और भ्रामक है। मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर अवश्य नष्ट हो जाता है, परंतु उसकी सनातन आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने चली जाती है। परमात्मा ही जीवात्मा को पुराने रोगी और अशक्त शरीर से पृथक करते हैं और नया जन्म और शरीर देते हैं। पुराना शरीर पुराने वस्त्र के समान होता है, आपने सबने गीता पढ़ी हुई। तो मृत्यु के बाद आत्मा का खेल समाप्त नहीं होता, अपितु पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें नया जन्म और सुख दुख आदि मिलते हैं। हमने जो निंदनीय पाप और शुभ कर्म किए होते हैं उसका फल और दंड भोगना पड़ता है, और जो शुभ पुण्य और प्रशंसनीय कर्म किए होते हैं उनका भी सुखदायी फल हमें परमात्मा की व्यवस्था से ही मिलता है और सारे मार्गदर्शन हमें शास्त्रों से ही मिलते हैं। सत्य ज्ञान और सत्कर्मों से ही मनुष्य जीवन सजता और संवरता है, तथा इसके विपरीत अज्ञान और दुष्ट कर्मों से जीवन बिगड़ता और दुखों को प्राप्त होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी वेद और ऋषियों के बनाए वेदानुकूल ग्रंथ हैं, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। बिना ईश्वर का सत्य ज्ञान वेद ज्ञान प्राप्त किए और सत्य विधि से उपासना कर उसमें सफलता प्राप्त किए किसी मनुष्य की उन्नति और मुक्ति नहीं होती। तो इस रहस्य को यदि मनुष्य जन्म लेकर नहीं जाना तो यह जीवन नष्ट ही कहा जाएगा, और आगे मनुष्य जीवन मिलेगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी या विश्वास नहीं है। तो मनुष्य का पुनर्जन्म अवश्य ही होगा, और वह जन्म मनुष्य की आत्मा को इस जन्म के कर्मों और ज्ञान आदि के अनुसार किए गए उपासना और यज्ञ कार्यों के आधार पर होगा। अतः सन्मार्ग का चयन कर उस पर चलना ही सबके लिए हितकर और कल्याणप्रद है। मनुष्य को जन्म परमात्मा से विद्या प्राप्त कर ईश्वर को जानने, उपासना करने, देव यज्ञ अग्निहोत्र आदि परोपकार के कर्म करने आदि के लिए ही मिला हुआ है। तो इसी को करने से मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त होता है, यही करणीय और प्राप्तव्य है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।